गाइज मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये ब्लॉग भी काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि गाइज आज का ब्लॉग है देवनगरी का। आज हम लोग जा रहे हैं गाइज धनबाद से देवघर बाबा का दर्शन करने, जो कि एक शिव जी के वहाँ पे बहुत ही पुराना बहुत ही भव्य मंदिर है वहाँ पे, और जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और गाइज यहाँ से हम लोग बाय रोड जा रहे हैं, यहाँ से करीबन मेरे घर से या धनबाद से करीबन 129 किलोमीटर है, तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे हमें लगेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो में बने रहे, अगर वीडियो में बने रहोगे तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा वहां का श्रृंगार, वहां का आरती, वहां का दर्शन करा पाऊंगा और दिखाऊंगा कि वहां पे कितना रस होता है। क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं, बस 2 महीने के बाद सावन आने वाला है। सावन में पूरे दुनिया से, मतलब दुनिया तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब पूरे इंडिया से लोग आते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए। कितने लोग पैदल आते हैं, बहुत बहुत भव्य मंदिर है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, हम आपको लोगों को सैर कराते हैं आज देवघर का। कमान तो गाइज चलिए फटाफट से हम लोग निकलने वाले हैं। आपको अब हम लोग रोड का जर्नी दिखाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ से 2 घंटे लगेंगे, 2 नहीं सॉरी 3 घंटे लग सकते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं। आज 11-12 बज चुके हैं, तो वो ट्रैफिक तो नहीं मिलेगा, हाईवे है, बट फिर भी 3 घंटा मान के चलते हैं। बाबू भी रेडी हो चुकी है, हमारा लगेज भी रेडी हो चुका है, तो उसको गाइज देख सकते हो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो फटाफट से एसी चलाते हैं और निकलते हैं, आपको मैं रोड के झंडे दिखाता हूँ बी इन दिस वीडियो। सो गाइज हम लोग देवघर सिटी में एंटर कर चुके हैं, बस 10 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। एंड आज हम लोग संध्या आरती देखेंगे, कल सुबह पूजा होगा, रुद्राभिषेक वगैरह होगा और आसपास के जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो आप लोगों के साथ वीडियो में जरूर शेयर करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे वीडियो में बने रहिए, आगे की चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। मैं सर्किट हाउस का आपको मैं रूम दिखा देता हूँ कि जो हमें रूम मिला है, एक 28 है और सेकेंड वन इज 27, वो मैं और अंकिता रखे हैं, मम्मी पापा रखे हैं। तो ये मैं आपको रूम दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहली बार डिजिटल लॉक मिलेगा आपको। और गाइज और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा आपको ड्रेसिंग टेबल मिल रहा है, जिसमें कि आप सामान भी रख सकते हैं। इधर वो साइड है और नीचे एक छोटा डस्टबिन भी है, तो कुछ भी आपका मतलब कुछ भी होगा तो आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक शू रैक टाइप है, आप शू भी रख सकते हैं, इसमें अपने लगेज भी रख सकते हो आप। एक आपको अलमारी मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक है, अच्छा खासा बड़ा है, इसमें अच्छे खासे लगेजेस आ जाएंगे। आप वहाँ पे अपने कपड़े को हैंग भी कर सकते हो, नीचे एक ब्लैंकेट भी है और नीचे भी आप लगेज रख सकते हो। गाइस एक आपको यहाँ पे नाइट लाइट भी मिल रहा है, इसे ऑन करके दिखाता हूँ, पता नहीं कैसे ऑन होगा। तो ये आपको एक बेड मिल रहा है, डबल बेड। और गाइस एक विंडो ए सी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, 2 चेयर विद टेबल दे रखे हैं और एक टेलीकॉम सिस्टम है। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो आप यहाँ से फ़ोन करके आप ऑर्डर कर सकते हो। और गाइस ये बाहर का सीन है सर्किट हाउस का, काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। और गाइस ये टीवी पैनल है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक छोटा सा 32 इंच का टीवी भी दे रखे हैं। और गाइस ये अटैच वॉशरूम भी है, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको, काफ़ी बड़ा है। तो गाइज ओवरऑल यही था रूम, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है सर्किट हाउस का रूम।
बट ये बुकिंग कैसे मिलता है कैसे नहीं मिलता, इतना इजी नहीं है यहाँ पर आना। तो मैं, आप वीडियो में बने रहो तो मैं आपको पूरा सब कुछ बताता हूँ कि यहाँ पे बुकिंग कैसे मिलते हैं और भी बाहर के लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एसपी कोठी भी यहीं पे है, डीसी भी यहीं पे है, सारे कोठी बाहर में ही है। हर एक सिटी के एक सर्किट हाउस होता है, तो देवघर का ये सर्किट हाउस है और वहाँ पर आज हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग वीडियो में बने रहे, हम लोग आपको पूरा सर्किट हाउस का सब कुछ स्टेप बाई स्टेप सब कुछ दिखाते हैं बी ऑन दिस वीडियोस। हेलो गाइस, तो हम लोग एक मंदिर है यहाँ पे बहुत ही पुराना, जिसको बोलते हैं नौलखा मंदिर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो गाइस ये अंकिता को देखिए। सो गाइस हम लोग इस मंदिर में आए हैं, देवघर जो आते हैं इस मंदिर को जरूर घूमते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। अंदर का नज़ारा आप लोगों को हम लोग दिखाएंगे जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटी और बहुत पुराना मंदिर है ये। आई थिंक उस जमाने में नौलखा मंदिर बना हुआ था, जिसके वजह से इसका नाम नौलखा पड़ा, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। तुम कितने दिन बाद यहाँ पे आ रही हो? पहले बताओ। 2007 में आई थी, उस समय बहुत छोटी थी, बताइए। अभी मैं शादी के बाद आ रही हूँ। अब मैं भी यहाँ पे लगता है बहुत पहले आया था, मैं और मेरी सिस्टर नेहा, उस समय हम लोग बच्चे थे, बट अब आए हैं यहाँ पे लगता है बहुत दिन हो गया। अब तो बहुत दिन हो गया। हम लोग अंदर में दिखाते हैं मंदिर का सारा नजारा, आप लोगों को दिखाएंगे अंदर में कैसा लग रहा है, तो आप लोग भी देखिए हमारे साथ और दर्शन करिए। ठीक है, ये फ्रंट है इस मंदिर का, आप देख सकते हो यहाँ से ही लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और वो ऊपर में मंदिर है। तो चलिए मैं भी फटाफट यहाँ पे जूता चप्पल खोल देता हूँ, यहाँ पे है जूता चप्पल खोल के फिर ऊपर चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि आखिर इस मंदिर में क्या खासियत है, बाकी लोग इतना क्यों अट्रैक्ट होते हैं इस मंदिर की तरफ। चलिए मैं देखते हैं हम और आप दोनों, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए, मुझे भी देखना है, मैं भी भूल भाल गया सब कुछ। तो चलिए अभी देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है सर, मैं आपको अंदर का फुटेज नहीं दिखा पाऊँगा, बट बाहर से देखिए यहाँ का लोकेशन मैं आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कितना भव्य है। गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना चहल पहल है। और गाइज बस हम लोग इंटर कर रहे हैं, आपको देख लो ऊपर दिख रहा होगा मंदिर, सावन में यहीं पे लोग आते हैं जल ढारने के लिए, बहुत दूर दूर से पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जगह जगह आपको प्रसाद भी मिल रहा होगा देख लो। और गाइज ये पश्चिम दरवाजा है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है पश्चिम दरवाजा है ये, हम लोग वहाँ से इंटर कर रहे हैं। जगह जगह आप देख लो भाई प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अब उतना भीड़ नहीं है क्योंकि आज संडे है, यहाँ तो अक्सर भीड़ होता है। चलिए गाइस हम लोग अंदर आपको जाके दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। आप देख सकते हैं अभी श्रृंगार हो रहा है और यहाँ पर आरती की तैयारी हो चुकी है, जैसे वो श्रृंगार खत्म होगा तो वैसे ही यहाँ पे आरती स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आरती स्टार्ट होने वाली है और अभी सब लोग आ चुके हैं, बस 5 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी, आपको मैं और सामने जाके दिखाता हूँ। आरती के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। Yeah.
हाँ तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं बाबा की नगरी से आरती देखकर, आरती हो चुका है वहाँ पे। मैं वापस अपने गेस्ट हाउस सर्किट हाउस में आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या सुंदर नज़ारा है, ये पीछे आप देख सकते हो। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा पसीना पसीना हो गया क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। थोड़ा रूम पर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ क्योंकि सुबह फिर से रुद्राभिषेक सुनना है, उसमें 2-3 घंटे लगते हैं। तो गाइज मैं फटाफट जाता हूँ, थोड़ा कैमरा भी डिस्चार्ज हो चुका है, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है, तो फटाफट से इसको चार्ज में लगाता हूँ और कुछ खा लेता हूँ और फिर मैं आपसे मॉर्निंग में मिलता हूँ। ओके, तब तक आपको मैं थोड़ा गेस्ट हाउस का नज़ारा दिखाता हूँ कि रात में कितना अच्छा लाइटिंग्स है यहाँ पर। तो गाइज आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि सर्किट हाउस है, तो यहाँ पर सब VVIP लोग ही आते हैं यहाँ पर। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर। हालाँकि यहाँ पर आप नज़ारा देखिए कितना सुंदर है, कितना वेल मेंटेन्ड है। तो फटाफट से चलते हूँ, हमारा रूम इधर है, दैट साइड लेफ्ट की तरफ। 8:30 बज चुका है, फटाफट से जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ। सॉरी नाश्ता नहीं, डिनर का टाइम है, डिनर कर लेता हूँ फिर मैं आपसे मॉर्निंग में मिलता हूँ। ओके, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, डे 2 में आपका स्वागत है। तो गाइज़ मैंने आपको दिखाया रात का आरती या रात में कैसा क्राउड होता है बाबा की नगरी में। तो गाइज आज टाइम है आपको मॉर्निंग में दिखाने का, आज मैं मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसा रस होता है, कैसा क्राउड होता है। तो क्राउड तो आप चाहे मॉर्निंग में जाओ या नाइट में जाओ, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं आपको दिखाऊँगा मॉर्निंग का क्या सीन होता है वहाँ पर। तो चलिए वीडियो में बने रहें, और होप सो आपको पिछले वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको आगे का जर्नी और भी अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ एंड दिखाता हूँ। सो बी इन दिस वीडियो। तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं मॉर्निंग में, आप देख सकते हो यहाँ का व्यू वगैरह। तो आप यहाँ के रौनक देख सकते हैं गाइज, अभी तो सावन आया भी नहीं है फिर भी भीड़ से पूरा भरा हुआ है। आप इमेजिन कर लो कि सावन आएगा तो क्या माहौल होगा यहाँ का। अब देखो यहाँ लाइन लगे हुए हैं, कतारें लगे हुए हैं जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आपको होप सो मेरा आवाज़ भी नहीं आ रहा होगा, बट चलिए मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि ऑलमोस्ट कैसा कैसा है यहाँ पे भीड़ भाड़। सो गाइज़ हम लोग बाबा की नगरी में आप लोगों को शाम की आरती, बाकी के टाइम का दर्शन जो होता है, नौलखा मंदिर, सभी चीज़ों को दिखा चुके हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। होप सो आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया हो। तो गाइज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सो अब हम लोगों का ब्लॉग तो आज का यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से। लेट्स गो, थैंक यू।